चैप्टर 9 प्रोबेबिलिटी। चांसेस ऑफ हैपनिंग एन इवेंट और आउटकम इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। सब्जेक्टिव मतलब कि वो पर्सन टू पर्सन चेंज हो जाता है, कैलकुलेटेड होता है। स्किल, नॉलेज, पर्सनल और जजमेंट। नो साइंटिफिक फार्मूला इज यूज, एग्जाम्पल रेनफॉल और मैच। कोई भी साइंटिफिक फार्मूला यूज नहीं होता, एग्जाम्पल रेनफॉल और मैच। ऑब्जेक्टिव साइंटिफिक फार्मूला इज यूज, सेम आंसर्स, रिलायबल, एग्जाम्पल टॉसिंग द कॉइन। पी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल केसेज और इवेंट्स और आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेज और इवेंट्स आउटकम। ट्रायल और एक्सपेरिमेंट क्या होता है, टॉसिंग द कॉइन रिजल्ट। एच और टी थ्रोइंग द डाइस रिजल्ट, 1, 2, 3, 4, 5, 6। एग्जाम्पल प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज इक्वल टू 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इज इक्वल टू 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 इज इक्वल टू 1/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 or 4, 2/6। इक्वली लाइकली इवेंट्स, इवेंट्स हैव ए इक्वल प्रोबेबिलिटी। जो इवेंट्स जिनकी इक्वल प्रोबेबिलिटी होती है, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, एक कॉर्न कॉइन को अपन टॉस करते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी हेड आने की क्या होती है, या तो वन, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/2। P1, P2 इन दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/6। 1 or 2 डाइस म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, दो इवेंट विच कैन नॉट अकर टुगेदर। फॉर एग्जाम्पल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड एंड टेल ऑन द कॉइन, हेड और टेल एक साथ कभी भी नहीं आ सकते, तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हो जाएंगे। नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, दो इवेंट विच कैन अकर टुगेदर, जैसे कि नंबर 2 ऑन द डाइस एंड इवन नंबर ऑन द डाइस, कितना होता है, 2 भी आ सकता है, और इवन नंबर 2, 4, 6 होता है, 2 भी आ सकता है। इसलिए सैम्पल स्पेस क्या होता है, एग्जाम्पल टॉसिंग अ कॉइन, तो एक कॉइन टॉस किया तो सैम्पल स्पेस क्या हुआ, एच और टी, तो 1/2 + 1 = 1। थ्रोइंग अ डाइस, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो क्या हो गया, 1/6 + 1/6 + 1/6 + 1/6 + 1/6 = 6 × 1/6, तो क्या हो गया, 1। सिंपल इवेंट, एन इवेंट विच हैज ओनली वन सैम्पल पॉइंट। कंपोजिट इवेंट, वन सैम्पल पॉइंट, वन सिंपल पॉइंट की एक ही पॉइंट होता है। An event which can be split into two or more simple events. Example, getting an even number when a dice is tossed. Permutation. Each of the different arrangements which can be made out of a given number of things by taking some or all of them at a time is called a permutation. और इसको अपन represent कैसे करते हैं, NPR. Arrangement होता है कि किसी चीज़ को अपन किस तरह से different ways में arrange कर सकते हैं। Combination. Each of the groups of selection which can be made by taking some or all things without reference to the order of things in each group. इसका मतलब combination का मतलब होता है कि अपन जो भी numbers लेते हैं वो अपन उनकी preference में नहीं लेते, reference में नहीं लेते, order में नहीं लेते, कैसे भी उसको अपन ले लेते हैं, ये अपनी मर्जी को define करता है। Now we will discuss some coin questions. A coin is tossed one time. तो favorable outcomes कितने हो जाएंगे? या तो H आएगा या T आएगा। Total outcomes 2. Probability of getting two heads, one head, at least one head, no head, at most one head. Two heads, total outcomes, kitne hote hain? Jab two heads karenge to total outcome kitne aayenge, ya to HT aayega, ya TT aayega, ya HH aayega, to kitne jayenge 4. और फेवरेबल आउटकम 2 हेड, आने में कितने, सिर्फ 2 हेड चाहिए, HH 1 1/4। फिर 1 हेड चाहिए टोटल आउटकम्स, तो अपने पहले देखे थे कितने होंगे, HT TH TT HH 4। तो फेवरेबल आउटकम्स H, T, T, H, तो P1 = 2/4 2/2 = 1/2। P1 हेड, एट लीस्ट एक हेड तो होना ही होना चाहिए, एक हेड दो भी हो सकते हैं। टोटल आउटकम HH HT TH TT, प्रेफरेबल आउटकम HH HT TH। पी एट लीस्ट वन हेड, मतलब 3/4 3/4। नो हेड, ना हेड नहीं होना चाहिए, टेल हो सकता है, तो क्या हुआ टोटल आउटकम, प्रेफरेबल आउटकम तो अपने को पता ही है टोटल आउटकम कितने थे, पी नंबर नो हेड मतलब 1/4, क्योंकि हेड जिसमें नहीं है वो सिर्फ टीटी है। एट मोस्ट वन हेड, ज़्यादा से ज़्यादा एक, मतलब कि एक तो हो ही सकता है, और
एक तो हो ही सकता है और जीरो हेड भी हो सकता है। जीरो हेड मतलब पीटी और एक हेड मतलब एचटी और टीएच, एक से ज़्यादा नहीं हो सकता। एटलीस्ट एटमोस्ट का मतलब आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा। तो एटमोस्ट वन एंड की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 3/4। अ बॉय ने स्टॉप 3 times, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 head, 1 head, एटलीस्ट 1 head, नो हेड, एटमोस्ट 1 head, एटमोस्ट 2 head। टोटल आउटकम्स कितने आएंगे, एच टी, पहले एच टी को 4 बार लिख दो, एच टी टी एच टी टी एच एल, वापस से वही लिख दो एच टी टी एच टी टी और फिर डबल एल, फिर तीसरी बार में 4 बार एच लिख दो और 4 बार टी लिख दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा टोटल आउटकम। नहीं समझ में आया, पहले खाली एच टी लिखो, टी एच लिखो, टी टी लिखो और एच एच लिखो, फिर से वही एच टी टी एच टी टी और एच एच, फिर अपन क्या करेंगे तीसरी बार में, तो एच को 4 बार लिख दो और फिर टी को 4 बार लिख दो, तो टोटल आउटकम्स आ जाएंगे। ये शॉर्ट ट्रिक है ताकि आप लिख पाओ। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ टू हेड्स, टू हेड्स की प्रोबेबिलिटी फेवरेबल आउटकम 1 एच टी एच टी एच 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 टी, तो 3/8। पी 1 head फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल्स टू टी टी एच एच टी 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 एच टी 3, तो पी 1 head 3/8। P at least 1 head, P1 plus P2 plus P3 favorable outcome, TTH, HTT, THT, HTS, THL, HHT, triple X, so 7/8। A 1 head मतलब या तो 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा, 0 हो नहीं सकता, वो एक ही कंडीशन है, ट्रिपल टी तो उसको माइनस करो। P no head, जो ऊपर वाला था no head मतलब हेड नहीं होना चाहिए, तो टेल तो हो ही सकता है सारे, तो सिर्फ एक ही कंडीशन पे होगा, होगा 1/8। पी एट मोस्ट 1 head मतलब या तो 0 होगा या 1 होगा, तो कितना आएगा, 4 cases फेवरेबल होंगे, टी एच एल एच टी 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 एच टी ट्रिपल टी, तो एट मोस्ट 1 head 4/8। एट मोस्ट 2 head मतलब 0, पी 0, पी 1 और पी 2 इन तीनों को ऐड कर दो, तो आपके पास कितना जाएगा 7/8। Dice, a dice is rolled, what is the probability of getting 5? Total outcome 6 hai, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Probability of getting 5, 1/6. What is the probability of getting number greater than 3? 3 se bade, 4, 5, 6, to 3, 3/6. Probability of getting even number, even number kaun kaun se, 2, 4 or 6, 3 number ho gaye, 1/2. A dice is rolled 2 times, what is the probability of getting 6 on first time, sum is 10 or more, difference in number is equal to 3, both are even numbers, both the time 5 appears. Total outcome, kitne aayenge, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6, 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 6, 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5, 6, 6. क्वेश्चन फर्स्ट ए पार्ट, पी 6 ऑन फर्स्ट टाइम, 6 फर्स्ट टाइम कितनी बार आएगा, ये रहा 6 बार, तो 6/36, ठीक है। प्रोबेबिलिटी कार्ड, टोटल कार्ड्स कितने होते हैं 52, 26 रेड 26 ब्लैक, 26 रेड में से भी हार्ट 13 होते हैं और डायमंड 13 होता है, इनमें 13 पत्ते किस किस के होते हैं, इक्का तुक्की तिक्की चौकी पंची छठी सत्ती अट्ठी नौवीं दसवीं और जैक क्वीन किंग, इधर भी सेम होते हैं, स्पेड में भी इतने होते हैं, क्लब में भी इतने ही होते हैं, ये पूरा है ब्लू प्रिंट है कि कार्ड्स कितने होते हैं अपने पास। अ कार्ड इज ड्रॉन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी रेड कलर, रेड कलर कितने होते हैं 26, 26, टोटल आउटकम कितना हो गया 26/52 इक्वल्स टू 1/2। एस ऑफ ब्लैक कलर, फेवरेबल आउटकम इक्का, ब्लैक कलर का 2 होते हैं, टोटल आउटकम 52, तो एस ऑफ ब्लैक कलर 2/52। जैक ऑफ रेड कलर, फेवरेबल आउटकम 2, टोटल आउटकम 52, तो पी जैक ऑफ रेड कलर 2/52। एन ए किंग, कोई सा भी किंग, तो फेवरेबल आउटकम कितना होगा 4, टोटल आउटकम 52, पी एन ए किंग इक्वल्स टू 4/52। नंबर कॉम्बिनेशन, नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग आर आइटम्स फ्रॉम द नंबर ऑफ आइटम, एन सी आर इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल ऑन आर फैक्टोरियल, ब्रैकेट में एन माइनस आर फैक्टोरियल। सपोज ग्रुप ऑफ 5 बॉल्स आर देयर, तो एन मानेंगे, उसमें 2 बॉल सेलेक्ट करने हैं, तो एन सी आर मतलब 5 सी 2, 5 फैक्टोरियल 5 सी 2 मतलब 5 को 5 फैक्टोरियल 2, फिर 5 माइनस 2 3 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल को अपन खोलेंगे 5 4 3 2 2
upon 3 into 2, cancel it by 20. Addition theorem of probability. Mutually exclusive, PA union B is equal to PA plus BB. Not mutually exclusive is equal to PA union B is equal to PA plus BB minus PA intersection. King, Char and Hart theorem. Ace or K? Ace or K? Char by 52 plus Char by 52. Hart or Spade? 13 by 52 plus 13 by 52 is equal to 26 by 52. Queen or Black? 4 by 52 होते हैं, 26 by 52 होते हैं. माइनस में से एक आ गया ना कॉमन, उसको माइनस कर देंगे 2 by 52. बेगम है ना, बेगम काली भी तो होती है, इसलिए उसको माइनस करना पड़ेगा. ठीक है, 28 by 52. PA union B, PA plus BB union B, P either A or B at least 1. Multiplication theorem of probability. Let E and F are two events associated with sample space S. E intersection F is equal to event E and F both have occurred. P E intersection F is equal to P E P F Y. मतलब P E हो गया था जब F हुआ. अब एक क्वेश्चन देख के समझते हैं. An urn contains 10 black and 5 white balls. Two balls are drawn from the urn, one after the other without replacement. What is the probability that both balls drawn are black? Black is near 10, white is near 5. E, first ball drawn is black, F, second ball drawn is black. B, intersection F, 10 by 15, total 15 थी. और फिर into 9 by 40 क्यों? कि एक ball तो उधर चली गई ना. तो 90 by 210 = 3/7. Three cards are drawn successfully. Two replacement from a pack of two cards. What is the probability that two cards are king and third card drawn is an ace? First card drawn king hua, second card drawn king hua, third card tukka ho gaya. A intersection B intersection C, P A P B by A, P C A intersection B. Char by 52, फिर 3 by 52, मगर जो third का वो अभी भी 4 तो रहने थे ना, इसलिए 4 by 50. Random variable and its probability distribution. Random variable x is a real value function whose domain is a sample space of a random experiment. S given है, तो फिर क्या coin thrice. S आ जाएगा triple H, H H T T H H H T H T T H T H T H T T. Number of heads. दो हो सकते हैं या फिर तीन हो सकते हैं या फिर एक हो सकता है या फिर दो. ठीक है, तो तीन हेड्स वाले 1/8, टू हेड्स 3/8, वन हेड 3/8 और जीरो हेड 1/8. अब पर्सन प्लेज द गेम ऑफ अ टॉस ऑफ अ कॉइन थ्राइस और ईच हेड ही इज गिवन रुपीस टू बाय द ऑर्गेनाइजर ऑफ द गेम एंड फॉर ईच टेल ही हैज टू गिव रुपीस 1.50 टू द ऑर्गेनाइजर दैट एक्स नोन अमाउंट गेन और लॉस बाय द पर्सन शो दैट एक्स इज अ रैंडम वेरिएबल एंड एग्जीक्यूटेड एज अ फंक्शन ऑफ द सैंपल स्पेस ऑफ द एक्सपेरिमेंट. एक्स को अमाउंट गेन और लॉस बाय द पर्सन. एच अगर 3 होगा तो टेल कितने होंगे 0, तो अमाउंट कितना मिलेगा 6, क्यों 3 × 2 = 6. फिर दो हेड एक टेल, 4 - 1.50 = 2.5. हेड भी एक और टेल दो, जो 2 - 3 = -1. तो हेड 0 तो टेल 3, 3 × 1.5 - 4.5. मीन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल, मीन और एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स. कुछ भी नहीं करना, मीन वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है. नंबर ऑफ टोकन और थ्रोइंग ऑफ एन अनबायस्ड डाइस. एक्स गिवन है, पी कितना हो जाएगा 1/6. तो ex कितना हो जाएगा समीशन ऑफ x px - x 1 × 1/6 2 × 1/6 3 × 1/6 4 × 1/6 5 × 1/6. 1/6 कॉमन लिया, 1 + 2 3 + 4 5 + 6 = 21/6 7/2. फिर अपन ex स्क्वायर निकालेंगे इज इक्वल टू समीशन ऑफ x स्क्वायर p 1 × 1/6 + 2 × 2 square × 1/6 3 square × 1/6 + 4 square × 1/6 + 5 square × 1/6 + 6 square × 1/6. ना जाएगा इज इक्वल टू 1/6 ब्रैकेट में अपन सबको कॉमन लेने के 1/6 कॉमन लिया, बाकी क्या बचा 1² + 3² + 4² + 5² + 6² तो अपने पास क्या जाएगा 91/6. तो वेरिएंस ऑफ x = ex² - e
x का होल स्क्वायर, तो 91 by 6 minus 7 upon 2 का होल स्क्वायर, 91 by 6 minus 49 by 4 = 35 by 12, खत्म।